हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम वेक्टर कैलकुलस ये यूनिट को आगे बढ़ाएंगे और आज हम वेक्टर कैलकुलस का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये आज वेक्टर कैलकुलस का थर्ड लेक्चर है। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने इसके दो लेक्चर लिए थे, उसी के साथ साथ मैथमेटिक्स के और भी कई नंबर ऑफ टॉपिक स्टडी किए थे। तो इसके पहले के सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें वेक्टर कैलकुलस का एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो देखिए, जो आज हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो आपके सामने है। बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, बेसिक प्रॉब्लम है। यहां पे देखिए, ए का वेक्टर इक्वेशन दिया है, बी का वेक्टर इक्वेशन दिया है। वेक्टर इक्वेशन जो कि आईजेके के फॉर्म में होता है, तो दोनों का वेक्टर इक्वेशन दिया है और अब हमें यहां फाइंड आउट करने के लिए बोला है ए डॉट बी, इट मींस ए और बी का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। तो देखो, सबसे पहले हम यहां पे स्टेप्स क्या रहेंगे, देखो सॉल्व करने के लिए हम यहां लिखेंगे गिवन दैट, जो दोनों इक्वेशन दिए हैं वो हम पहले लिख लेंगे। गिवन दैट ए इक्वल्स टू, दैट इज वेक्टर ए इक्वल्स टू 3i + 4j + 5k, ये फर्स्ट इक्वेशन दिया है। एंड यहां हम वेक्टर बी, दैट इज बी का वेक्टर इक्वेशन लिख लेते हैं, दैट इज 2i + 3j + 4k, ये दोनों वेक्टर इक्वेशन दिए हैं और अब हमें दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। तो यहां हम लिखेंगे ए डॉट बी इक्वल्स टू, देखो दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो पहले ए का इक्वेशन लिखेंगे, देन डॉट करके बी का इक्वेशन हम लिखेंगे। तो ए का इक्वेशन है 3i + 4j + 5k डॉट, देखिए हमने यहां पे डॉट लगा दिया, इट मींस हमें डॉट प्रोडक्ट करना है। और अब हम बी का इक्वेशन लिख लेंगे 2i + 3j + 4k और अब हमें इसका डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट बहुत ही सिंपल है, हमेशा आपको ध्यान रखना है। आपको एक फॉर्मूला बताते हैं डॉट प्रोडक्ट का। डॉट प्रोडक्ट के टाइम हमेशा आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के वो भी 1 होता है। तो ये बहुत ही सिंपल है, आई डॉट आई हमेशा 1, जे डॉट जे ये भी 1 और के डॉट के ये भी 1। तो ये आपको पता होना चाहिए डॉट प्रोडक्ट के टाइम। तो ये बहुत ही आसान है। तो चलो डॉट प्रोडक्ट के इसी फॉर्मूले का यूज करके हम सॉल्व करेंगे। इसको डॉट प्रोडक्ट करना है, तो देखिए यहां पे बहुत ही सिंपल है। तो यहां आई डॉट आई करो, इट मींस आई का डॉट आई के साथ करो, जे का डॉट जे के साथ करो और के का डॉट प्रोडक्ट के साथ करो। तो ये बहुत ही सिंपल है। तो यहां पे आई डॉट आई करेंगे तो यहां पे 3 × 2, तो ये हो जाएगा 6। हम लिखेंगे स्टेप बाय यहां पे चलेंगे 3 × 2, दैट इज आई डॉट आई कर लिए। देन यहां पे प्लस जे डॉट जे करेंगे तो इसके जे में है 4, इसके जे में है 3, तो ये हो गया 4 × 3। देन के डॉट के करेंगे, इसके के में है 5 और इसके के में है 4, तो 5 डॉट, तो यहां पे 5 हम लिखेंगे प्लस 5 × 4। और अब हमें इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, तो ये 3 × 2, तो ये हो गया 6, ये हो गया 12 प्लस ये हो गया 20 और ये सभी को प्लस करेंगे तो ये हो गया 38। तो फाइनली हमें ए डॉट बी हमें यहां पे मिल गया, इट मींस हमें डॉट प्रोडक्ट जो फाइंड आउट करने के लिए कहा है वो हमने फाइंड आउट कर लिए। तो फाइनली हमने ए डॉट बी फाइंड आउट कर लिए, दैट इज 38। क्वेश्चन में जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने सॉल्व कर दिए। बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम था ये। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। इसके आने वाली वीडियोज में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। इसके पहले हमने वेक्टर कैलकुलस के जो दो लेक्चर दिए थे उसमें भी हमने कुछ बेसिक प्रॉब्लम लिए थे, उसी के साथ साथ मैथमेटिक्स के और भी कई नंबर ऑफ टॉपिक्स हमने इसके पहले लिए थे। तो इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियो देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए। कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आपने अगर अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोज आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।